सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर धूम मचाने आ गई हैं सीए पूजा गर्ग जी। मैडम, आपकी जो पहली वीडियो थी वो 75,000 लोगों ने देखी है वीडियो को एक हफ्ते के अंदर ही, इसलिए हमें मैडम को दोबारा बुलाना पड़ा आपके कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी मैडम की? अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो जाकर देखो। तो मैडम, आज हमारे आपसे सवाल कुछ अलग है। अभी क्या है ना, ITR का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ सवाल मेरे यूजर्स के हैं। जैसे लेट सपोज करो मेरी मदर की एज ना 65 ईयर्स है, तो क्या मुझे उनकी ITR भरनी चाहिए? अगर मैं उनकी ITR भरता हूँ तो क्या फ़ायदे हैं? और एक क्या है, लेट सपोज मेरी भाभी है, ठीक है ना, वो हाउस वाइफ है, उनकी कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है ना, हाउस वाइफ है, मतलब वैसे तो बहुत कमा रही है कि हाउस वाइफ है, लेकिन मनी टर्म्स में कोई इनकम नहीं है, तो क्या मुझे उनकी ITR भरनी चाहिए? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि ITR किसकी भरनी चाहिए, किसकी नहीं भरनी चाहिए, और अगर मैं अपनी मदर की, अपनी सिस्टर की, अपनी भाभी की, ठीक है ना, इन लोगों की जो हाउस वाइफ है या कोई ज़्यादा इनकम नहीं है, 1,00,000 रुपये इनकम है, 2,00,000 रुपये इनकम है, अगर इनकी ITR भरता हूँ तो क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। सर, बेसिकली हमें रिटर्न सबकी फाइल करनी चाहिए। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे पास ना लीगल प्रूफ हो जाता है हमारी इनकम का। आजकल तो बच्चों के स्कूल में भी जो होता है ना लीगल प्रूफ मांगते हैं कि भाई आप इनकम प्रूफ लाइए अपने पेरेंट्स का, इवन मदर का भी फादर का भी जाएगा तो एक ना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है उससे। okay. एक वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एड्रेस प्रूफ के लिए भी आजकल बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं सर। okay. जो ITR है उसका जो वैलिड प्रॉपर ITR होती है प्रॉपर यूज़ करते हैं सारा इनकम प्रूफ के लिए भी, और इवन आप एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है सर, फर्स्ट तो ये हो गया। अच्छा, शादी में भी आजकल चल रहा है क्या, shadi.com वगैरह पे? सर, बहुत सारे लोग हैं जो शादी पे भी कहते हैं इनकम टैक्स ITR दिखा दो तो हम मतलब शादी करने के लिए रेडी हो जाएंगे। मतलब ITR आप ये समझिए, ITR एक इनकम प्रूफ भी हो गया है और आजकल एड्रेस प्रूफ में भी कुछ लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने जाते हैं, या लेट सपोज करो आपकी शादी की कहीं बात चल रही है तो उन्होंने पूछा भाई फैमिली इनकम बताओ कितनी है, तो वो आप सबकी ITR दिखा सकते हैं। ठीक है सर, एक आजकल ना लोन का भी बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है। आजकल लोग जॉब वाले होते हैं वो लोन लेना चाहते हैं, बेसिकली टू व्हीलर हो गया क्योंकि वो इजी EMI पे कर सकते हैं एवरी मंथ। तो उसके लिए भी ना जो कंपलसरी मांगते हैं जो बैंक्स हैं, अच्छे बैंक्स हैं, मतलब बैंक्स तो मांगते ही हैं, तो कंपलसरी मैंडेटरी 3 years 4 years की लास्ट ईयर की आपकी ITR मांगते हैं। तो मतलब अगर हमारे को लोन लेना है, जैसे मान लो गाड़ी है भाई, पैसे तुम्हारे पास है, लेकिन कई बार ये सोचते हैं कि भाई इकट्ठे 10,00,000 रुपये क्यों डाले, हम EMI पर ले लेते हैं। तो अगर आप EMI पर कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, लेट सपोज अपनी वाइफ के नाम पर लेना चाहते हैं, आप मदर के नाम पर लेना चाहते हैं, तो अगर उनकी ITR भरी होगी, लेट सपोज चाहे उसमें टैक्स ना दो, मैडम ऐसा एक लोगों के अंदर ना ये कन्फ्यूजन है कि ITR भरना मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देना। नहीं सर, बेसिकली 5,00,000 तक तो एग्जाम्प्ट है ही, अभी जो ईयर चल रहा है 5,00,000 तक तो एग्जाम्प्ट है ही, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली लोग 4,00,000 तक की रिटर्न फाइल करते हैं, मतलब जिनकी इनकम नहीं है। हाँ ठीक है, ITR फाइल करते, तो ऐसा नहीं है टैक्स नहीं पे करना होता कि ITR फाइल कर दो पर टैक्स पे नहीं करो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। तो यहाँ पर इस चीज को आप समझो कि ये जरूरी नहीं है टैक्स पे करना है। अगर आपके घर में आपकी वाइफ है, आपकी मदर है, और आप उनकी 5,00,000 रुपये तक की इनकम दिखा देते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, उनके 5,00,000 एक तरीके से वाइट की इनकम बन गई, ठीक है, टैक्स गवर्नमेंट को देना नहीं पड़ा। और अगर उस वाइट की इनकम से कभी भी उन्होंने कुछ परचेज करा तो गवर्नमेंट उन्हें शायद नोटिस नहीं देगी, और उन्हें लोन वगैरह लेने में भी आसानी हो जाएगी कि बैंक वाले समझ जाएंगे कि भाई इसकी 50,000 रुपये महीना की या 40,000 रुपये महीना की तो इनकम है ही। होम लोन हो गया, 2-व्हीलर हो गया, 3-व्हीलर, कुछ भी आप 4-व्हीलर कुछ भी ले रहे हो, अगर आपको ठीक है आप रिटर्न फाइल कर रहे हो 4 years की तो आपको चाहिए होती है। राइट, ठीक है मैडम, तो मतलब इसमें भी बेनिफिट होता है। और क्या बच्चे आजकल बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो पेरेंट्स को क्या है कि पेरेंट्स सोचते हैं भाई हमारी तो है ही नहीं इनकम ज़्यादा, 2-3 लाख या 4 लाख या 5 लाख तक तो गवर्नमेंट एग्जाम कर रखी है, तो रिटर्न फाइल नहीं करते सर। तो उसमें क्या है कि उन्हें रिटर्न फाइल करनी चाहिए आज से ही, क्योंकि बच्चे बाहर जाते तो ईजी वीज़ा अप्लाई के लिए भी आजकल रिटर्न मांगते हैं, तो लास्ट 3 years की 4 years की रिटर्न वीजा के लिए मांगते हैं। मतलब ऐसा होता होगा कि जैसे मान लो लेट सपोज आपको UK जाना है, US जाना है, तो वो ये सोचते होंगे भाई तू हमारे देश में आ रहा है, तो पहले ये तो बता तेरी इनकम फिनकम है भी या नहीं है,
तू गवर्नमेंट को टैक्स देता है या नहीं देता, तो वहां पर आईटीआर आपकी मांगते हैं। तो मैडम कई बार ऐसा होता है, अभी क्यों आईटीआर भरनी है, जब मांगेंगे तब इकट्ठी 3 साल की भरवा लूंगा। सर ऐसा नहीं है, क्या हुआ था लास्ट ईयर, ये तो जो आईटीआर यू अपडेटेड है, अपडेटेड में जाती है 3 साल की रिटर्न फाइल, बट सर क्या था आईटीआर यू आई है अभी 1 अप्रैल 2022 तब से एप्लीकेबल हुई है, उससे पहले रिवाइज रिटर्न जाती थी और लास्ट 2 ईयर्स की इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। तो बहुत से क्लाइंट आते थे जिनसे हम कहते थे कि भाई तुम लास्ट 2 ईयर्स की रिटर्न फाइल नहीं कर सकती, तो अभी आपके पास टाइम है, आप अभी से ही फाइल करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो वो आईटीआर यू होती है उसमें ना हमारे को अगर टैक्स देते हैं तो पेनल्टी 25% 50% और लेट फीस देनी पड़ जाती है। अच्छा मैडम चलो रिटर्न भरनी है, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ, मैं जून जुलाई में बिजी हूँ, नहीं भरता मैं जून जुलाई में, मैं अगस्त में भरूंगा जब फुर्सत मिलेगी, जब टैक्स के पैसे आएंगे तब भरूंगा, तो इससे क्या नुकसान होगा अगर मैं लेट रिटर्न फाइल करता हूं? अच्छा सर लेट रिटर्न फाइलिंग के नुकसान सर ये, एक तो हमारा जो रिफंड होता है, जो भी हमारा रिफंड होता है वो लेट आपका डिले आएगा, ठीक है, और वो एक पेनल्टी लगेगी आपकी 1000 मिनिमम है और 5000 मैक्सिमम है, वो लेट फीस से जो लगती है, लेट फीस लगेगी प्रॉपर। और सर जो आजकल बिजनेस कर रहे हैं ना लोग, वो ये सोचते हैं यार हमारा क्या है कि हमारा तो लॉस है, हम क्यों फाइल करें रिटर्न, लॉस है 2.5 लाख तक को गवर्नमेंट को वो चाहिए, हमारा तो है ही नहीं। तो सर उसमें क्या है, आप अगर आपके आपके पास लॉस है तो आप रिटर्न में टाइमली रिटर्न फाइल करो और लॉस दिखा के फाइल करो, आपके वो लॉसेस बाद में जो प्रॉफिट होते हैं उससे सेटअप हो जाते हैं। अच्छा इसका मतलब ये है कि अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हो तो रिफंड आपको जल्दी मिल जाएगा, और अगर रिफंड लेट मिलेगा तो उस पर ब्याज मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि लेट फीस से भी बचोगे आप, ठीक है। तीसरी चीज क्या है कि अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो लॉस की रिटर्न वो कहते हैं समय से भर दो, अगर आप लेट लॉस की रिटर्न फाइल करोगे तो वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने में दिक्कत करेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अगर लॉस है तो लॉस में आईटीआर भरो ना भाई, इस बार 5 लाख का लॉस है, अगले बार 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो टैक्स 0। अगर रिटर्न नहीं भरोगे तो इस बार तो टैक्स नहीं देना लेकिन अगली बार देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मैडम इसमें और कोई फायदे बताना चाहते हैं? और भी फायदे बताना चाहती हूँ, एक आपकी पेनल्टीज अवॉइड हो जाएंगी, एक सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स अ नेशन, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा नेशन है, हम एक अच्छे टैक्स पेयर बने। नहीं मतलब गवर्नमेंट भी हमारी ये कहेगी ना, देखो 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 हमारे देश में कितने लोग आईटीआर भरते हैं, कितने लोग टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट भी खुश हो जाएगी, इसलिए भर दो। अच्छा ये आईटीआर भरने के पैसे कितने लगते हैं, खुद भी भर सकते हैं आईटीआर? हां खुद भी फाइल कर सकते हैं, बट सीए से कराना बेटर है, क्योंकि उससे क्या है कि एक तो आपका आपको मैडम खाली सीए मत बोलो, यहां पे एडवोकेट्स भी होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, व्हाटएवर, मतलब जो भी बंदा काम कर रहा है, जो भी एक समझदार बंदा जिसको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, इनकम टैक्स की नॉलेज है, ठीक है, वर्ड इनकम टैक्स की जिसको नॉलेज है, जिसको अच्छे नॉलेजेबल है, उससे रिटर्न फाइल कराइए, क्योंकि आजकल नोटिसेस आ रहे हैं सर, अभी एक नोटिस आया है किसी का कि उस एक आजकल लोग फॉल्स क्लेम डिडक्शन कर रहे हैं, आजकल एक नोटिस घूम रहा है कि उस पे जो रिटर्न फाइल कर रहा है उसकी डिटेल दीजिए। हाँ मतलब वो फॉल्स डिडक्शन क्लेम मत करो, ठीक है ना, जेन्युइन डिडक्शन क्लेम करो, खुद अगर अपने आप को सामर्थ्य समझते हो तो कर लो, नहीं तो भाई किसी प्रोफेशनल की मदद ले लो। और अगर किसी मैडम कई बार तो प्रोफेशनल्स को भी मान लो नहीं आती आईटीआर भरनी, वो क्या करे, हमारा कोर्स ले ले, ठीक है ना, वो हमारा केजे क्लासेस का कोर्स ले ले, हमने अपनी नई वेबसाइट बनाई है KJW क्लासेस, मैडम KJ विजडम क्लासेस की शॉर्ट फॉर्म है, KJW क्लासेस इसी नाम से हमारी कंपनी है, उस पर भी हमारा कोर्स है और आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करके हमारा कोर्स ले सकते हैं। मैडम इसमें कुछ और एडिशन करोगे? आजकल क्या होता है कि स्टूडेंट्स भी आजकल पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में कमा भी रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, उसने अपना पैन कार्ड दिखाया तो मैंने उसका इनकम टैक्स पे लॉगिन पासवर्ड बनाया, तो उसमें काफी टीडीएस कटा हुआ था। हाँ, ये एक मुद्दा रहता है। क्या होता है कि अगर आप इनकम, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे या फिर आपकी इनकम टैक्स पे लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आपका इनकम हो रही है, आपको ये नहीं पता कि आपका इतना इनकम काटा किसने, टीडीएस कटा किसने, जो आप रिफंड ले सकते हो इनकम टैक्स, क्योंकि आप बच्चे कितना कमाते हैं, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लेते हैं वो क्वेश्चंस करके, तो बहुत सारे लोग हैं जो इनकम करते हैं लेकिन उनका टीडीएस कटा उन्हें पता भी नहीं है। अब जैसे मैं मान लो, ऐसे मैं एग्जांपल से आपको दे देता हूं कि मान लो आपने कहीं पर जॉब करी, कहीं पर कुछ करा और आपका 10,000 का टीडीएस कट गया। मैं मानता हूं कि तुम्हारी इनकम इतनी नहीं है कि तुम्हें आईटीआर भरने की जरूरत है, लेकिन अगर आप वो आईटीआर भर दोगे तो जो आपका टीडीएस का रिफंड है वो आपको मिल जाएगा। या लेट सपोज आप फॉरेन घूमने गए और आपका टीसीएस कट गया, तो अगर आप उस टीसीएस का रिफंड लेना चाहते हो, टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो, आपकी इनकम में मानता हूं 2.5 लाख रुपए से कम है, लेकिन फिर आप अगर आप आईटीआर भर दोगे तो आपको टीडीएस का रिफंड आसानी से मिल जाएगा। जी मैम, एक सर टर्म इंश्योरेंस वाला भी टर्म आ जाए कि टर्म इंश्योरेंस आजकल ले रहे हैं लोग, तो टर्म इंश्योरेंस लेते हैं ना हम, तो वो लास्ट 3 इयर्स के अकॉर्डिंग हमारा कैलकुलेशन करता है कि बंदा इस बंदे की वर्थ क्या है, एक बंदे की वर्थ भी पहचानी जाती है उसकी आईटीआर से, ठीक, मतलब अगर हिंदी भाषा में बोल ले तो किसी व्यक्ति की औकात उसकी आईटीआर से पता लग जाती है कि जब वो व्यक्ति गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे रहा है,
ठीक है, उससे उसकी औकात पता लग जाती है। इनकम से भी आप टैक्स पे नहीं कर रहे पर इनकम आपकी एक लीगल प्रूफ है तो उससे भी कैलकुलेशन पता लग जाती है। ठीक है, इसीलिए आजकल shaadi.com वगैरह पे ITR भी अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसमें और कुछ ऐड है मैडम? ओरिजिनल रिलेटेड और रिवाइज रिटर्न, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जी जी जी, तो आई वॉन्ट टू समथिंग की जैसे बिलेटेड रिटर्न है, पहले तो ओरिजिनल रिटर्न क्या होती है, जो आप जो टाइमली रिटर्न फाइल होती है 31 जुलाई, जैसे इंडिविजुअल की है 31 जुलाई 2023, फाइनेंशियल ईयर आपका 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसके लिए जो रिटर्न की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2023 है, तो अगर तब तक फाइल कर देते हैं तो वो आपकी कहलाती है ओरिजिनल रिटर्न। और आप उसके बाद 31 दिसंबर 2023 तक जो फाइल करते हैं वो कहलाती है आपकी बिलेटेड रिटर्न, और अगर आप उसी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज करते हैं तो वो कहलाती है रिवाइज रिटर्न, और आप उसके बाद आप ITRU फाइल कर सकते हैं, इसके बाद आपकी बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं होगी। बिल्कुल, अगर टाइम से कर दोगे ओरिजिनल रिटर्न तो ओरिजिनल के तो मजे ही अलग है। ठीक है, उसके बाद फाइल करोगे तो बिलेटेड रिटर्न की लेट हो गए तुम 31 दिसंबर 2023 जी, लेट हो गए 139(4) में। अगर आपके रिटर्न में कुछ गलती हो गई तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर दो 139(5) में। ठीक है, 31 दिसंबर तक रिवाइज कहलाएगी, उसके बाद अपडेटेड कहलाएगी। अगर उसके बाद भी आप गलती नहीं पता कर पाए, कुछ नहीं करता कर पाए, तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है जो कि अपडेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(8). सारे सेक्शन की डिटेल चाहिए तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी हमारी साइट को विजिट करके। तो मैडम वीडियो को क्लोज कर सकते हैं क्या? अच्छा, एक रिफंड पे इंटरेस्ट भी मिलता है अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो है। जो गवर्नमेंट है वो आपका जो रिफंड बन रहा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो रिफंड बन रहा है उस पे आपको 0.5% पर मंथ, मतलब 6% साल का, 6% यहाँ पर देखो गवर्नमेंट 6% साल का तुम्हें इंटरेस्ट दे रही है रिफंड पर। तो मैडम ऐसा कर लेते हैं, अब की बार ना एडवांस टैक्स जमा करा देते हैं 1 करोड़ रुपए का, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, एडवांस टैक्स 1 करोड़ का जमा करा देते हैं और गवर्नमेंट से 6% का इंटरेस्ट ले लेते हैं। सेविंग में तो 3% का मिलता है मैडम, गवर्नमेंट रिफंड ऑर्डर देगी उसके बाद से इंटरेस्ट। अच्छा, फिर ठीक है, तो ऐसा मत कर लेना कभी कोई भी चीज हवा में कर लो। ठीक है, कुछ लोग करते थे ऐसा कि सेविंग अकाउंट से टैक्स जमा कर दिया फिर रिफंड ले लिया 6% ब्याज ले लिया कि बैंक तो हमारे को ब्याज देता ही नहीं है। ठीक है ना, तो मैडम ये अच्छा, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हमारा, आप लोगों को भी पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे। आपको कौन सा पॉइंट इस वीडियो का ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और मैडम मैं आपका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और इस वीडियो पे भी हमें लगता है कि जितना पिछली बार प्यार आया था उससे ज़्यादा ही प्यार आएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, थैंक यू।